और दो तरह के पैरामीटर हमारे दो डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर होते हैं तो अगर फंक्शन के अंदर हम कोई चेंज करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है तो चलिए अब हम एक कॉल वे वैल्यू का प्रोग्राम देख लेते हैं तो सबसे पहले हमने यहाँ हेडर फाइल लिख लिया है देन पे हमने फंक्शन प्रोटोटाइप ले लिया है इस प्रोग्राम के अंदर हमने स्वैप वी नाम का एक फंक्शन बनाया है तो यहाँ पे हमने इसका प्रोटोटाइप लिख लिया देन मेन फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप के हमने दो वेरिएबल लिए हैं ए एंड बी ए की वैल्यू को टेन से एंड बी की वैल्यू को ट्वेंटी से इनस्लाइज कर लिया है देन हमने यहाँ पे स्वैप वी नाम का फंक्शन कॉल किया है इसके अंदर ए एंड बी की वैल्यू को पास किया है तो यही हमारा पास बाई वैल्यू है इट मीनस यहाँ पे हमने वैल्यू को पास किया है इसके बाद हमने प्रिंट कराया है ए और बी की वैल्यू को देन गेट सी एस लगा लिया है तो जैसे ही ये प्रोग्राम रन करेगा स्वैप वी नाम वाला हमारा फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा और ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा यहाँ पे ए वाली वैल्यू हमारे एक्स में कॉपी हो जाएगी बी वाली वैल्यू हमारे वाई में कॉपी हो जाएगी इसके अंदर फिर हमने एक वेरिएबल टी ले रखा है और यहाँ पे हमने स्वैपिंग परफॉर्म किया है इट मीन एक्स की वैल्यू को टी में स्टोर कर दिया वाई की वैल्यू को एक्स में स्टोर कर दिया एंड टी की वैल्यू को वाई में स्टोर कर दिया तो यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगा और फिर हमने यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया है तो जैसे ही हम प्रोग्राम को रन कराएंगे ए एंड बी इट मीनस टेन एंड ट्वेंटी यहाँ पे पास होगा और टेन की वैल्यू एक्स में एंड ट्वेंटी की वैल्यू वाई में स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे एक टी वेरिएबल है तो इसके मदद से स्वैपिंग हो जाएगी और यहाँ पे हमारे एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ट्वेंटी और वाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी टेन जैसे ही हमारी x और y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी फिर हमारी, हमारी यहाँ पे प्रिंट होगी a और b की वैल्यू तो a की वैल्यू हमारी एज इट इज यहाँ पे कितनी रहेगी 10 एंड b की वैल्यू हमारी एज इट इज रहेगी ट्वेंटी तो यहाँ पे देखिए दो लोकेशन पे हमारी अलग अलग वैल्यू स्टोर है यहाँ पे हमारे ए एंड बी की वैल्यू एज इट इज टेन एंड ट्वेंटी है लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू स्वैपिंग होके ट्वेंटी एंड टेन हो गई है अब चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं देखिए जब हमने प्रोग्राम को रन कराया तो यहाँ पे x और y की वैल्यू तो 20 एंड 10 आ गई इट मीन्स वैल्यू हमारी यहाँ पे स्वैप हो गई लेकिन जो हमारा एक्चुअल आर्गूमेंट था a और b उसकी वैल्यू एज इट इज़ 10 एंड 20 रह जाएगी इट मीन्स हमारे एक्चुअल वैल्यू a और b हमारे चेंज नहीं हुए लेकिन स्वैपिंग के बाद हमारे x और y की वैल्यू यहाँ पे एक्सचेंज हो गई है इट मीन्स हमारे कॉल वाई वैल्यू में जो एक्चुअल आर्गूमेंट होते हैं उसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट

अगर हम बात करें कि कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस में कौन बेटर होगा तो यहाँ पे कॉल बाई रेफरेंस हमारा बेटर होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा एड्रेस के थ्रू वर्क हो रहा है तो यहाँ पे एक्सेस टाइम हमारा कम लगेगा इसलिए कॉल बाय रेफरेंस बेटर होगा कॉल बाई वैल्यू से तो चलिए अब हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं कॉल बाई रेफरेंस का तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्वैप एक्स एक फंक्शन प्रोटोटाइप को लिख लिया है देन वाइट मेन के अंदर हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल ए की वैल्यू को टेन एंड बी की वैल्यू को ट्वेंटी से इनिसलाइज कर दिया है देन यहाँ पे हमने एक स्वैप एक्स फंक्शन कॉल किया है और इसके अंदर एंड ए कॉमा एंड बी पास किया है इट मीन्स हमने एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी पास किया है यानी यहाँ पे हमने रेफरेंस पास किया है तो जैसे ही ये रेफरेंस हमारा पास होगा ये हमारा आ जाएगा फंक्शन डेफिनेशन पे और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर एस्ट्रिक एक्स कमा इंटीजर एस्टिक वाई तो एंड ए की वैल्यू हमारे एक्स में कॉपी हो जाएगी एंड बी की वैल्यू हमारी वाई में कॉपी हो जाएगी स्टार लगा हुआ है इट मीनस वैल्यू एट दैट पॉइंट उसके बाद यहाँ पे टी एक वेरिएबल लिया है यहाँ पे स्वैपिंग हमारा परफॉर्म होगा देन हम एस्ट्रिक एक्स एंड एस्ट्रिक वाई की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो ये हमारा ट्वेंटी एंड टेन प्रिंट करेगा अब देखिए कॉल बाय रेफरेंस में यहाँ पे हमने स्वैपिंग परफॉर्म किया है तो हमने अभी बात किया था कि कॉल बाय रेफरेंस में अगर हम फंक्शन के अंदर कोई चेंज करते हैं देन ये एक्चुअल पैरामीटर को हमारे अफेक्ट करेगा तो यहाँ पे अब वैल्यू हमारी अगर 20 एंड 10 हो चुकी है देन अगर यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं ए एंड बी की वैल्यू को तो ये भी अब हमारा प्रिंट करेगा 20 एंड 10। क्योंकि जब भी हम कोई चेंज करते हैं फंक्शन डेफिनेशन के अंदर देन ये हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट में अफेक्ट होता है तो यहाँ पे हमने आउटपुट लिखा है जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे देन एक्स एंड वाई की वैल्यू तो हमारी ट्वेंटी एंड टन आएगी साथ साथ ए और बी की वैल्यू भी हमारी ट्वेंटी एंड टन आएगी तो यहाँ पे ए एंड बी हमारे एक्चुअल आर्गूमेंट थे और एक्स और वाई जो हैं वो हमारे वैल्यू हैं स्वैपिंग के बाद तो यहाँ पे जैसे ही हमने x एंड y की वैल्यू को एक्सचेंज किया तो हमारे एक्चुअल पैरामीटर भी एक्सचेंज हो जाएंगे तो आज के लेक्चर में इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल तो जल्दी मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो